अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे कीमा आलू मेथी की सब्ज़ी। आलू मेथी की भी सब्ज़ी बनती है, कीमा भी डाल के बनती है। कीमा तो हम किसी चीज़ में डाल सकते हैं। अब इस पतीले में हमने 4 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऐड करेंगे इसमें हम 1/2 स्पून ज़ीरा, और उसके बाद हमने 1 बड़े साइज़ के प्याज ली है, उसको काट लिया स्लाइसेस में, उसको हमने ऐड कर दिया है। उसको हम ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन करेंगे। इसके बाद ऐड कर देंगे जो कि हमारा 300 ग्राम कीमा है, कीमा हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम पकाएंगे यहाँ तक कि इसका पानी खुश्क हो जाए। फिर इसमें ऐड करते हैं हम अपने इंग्रेडिएंट्स, जैसे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर दिया। ऐड करेंगे लाल मिर्च, हरी मिर्च हमने ऐड कर दी है जो कि हमने काट के रखी हुई थी, हमने पूरा नहीं डाला है। अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो आप सारी ऐड कर दें। लाल मिर्च पाउडर मैंने 1 चम्मच डाल दिया है, और टर्मरिक पाउडर छोटे चम्मच से डाला है। नमक हमने हसब ज़रूरत अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है, आप भी अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कीजिएगा। ये बड़ा यम्मी सा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। वैसे भी सबको मेथी की सब्ज़ी और कीमा बहुत पसंद आता है, तो उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। अब हम इसमें ऐड कर देंगे मेथी की सब्ज़ी। मेथी की सब्ज़ी ऐड करने के बाद इसको हम अच्छी तरह से नीचे ऊपर अच्छे से चलाएंगे, ताकि एकदम अच्छे से कीमा और भाजी सब मिक्स हो जाए। और नमक टेस्ट कर लीजिएगा एक बार, अगर कम लगा तो आप डाल दीजिएगा। मेरा तो मुझे बराबर लग रहा है, मैंने देख लिया है। ये आलू है, 2 मीडियम साइज़ के आलूओं को स्लाइस में कट करके हमने ऐड कर दिया, और ये टमाटर डाल के अब इसको हमें चलाना नहीं है। अब इसके ऊपर हम कवर रख देंगे ताकि ये स्टीम में टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएँ। अब थोड़ी देर के बाद हम ढक्कन हटा कर इसको देखेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं तो फिर हम चलाएंगे, थोड़ा स्मूथली चलाएंगे कि हमारे आलू अगर गल गए हों तो टूटे नहीं। वैसे अभी नहीं गले होंगे, इतनी जल्दी आजकल के आलू गलते नहीं हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है गलने में। अब इसको हमने चला दिया है, इसके बाद हम चेक कर लेंगे। अगर आलू गला रहेगा तो ठीक है, नहीं गला रहेगा तो इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे आलू गलने तक। नहीं, देखें हमारा आलू नहीं गला है, हमने इसको चेक कर लिया है। अब इसको हम पकाएंगे थोड़ी देर तक ताकि आलू गल जाए। करीबन इसको हमने 8 मिनट तक पकाना है अभी। ये देखें बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। अब इसको हम गैस को हमने बंद कर दिया है और प्लेटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इसका पानी बिल्कुल खुश्क होकर यहाँ तक कि पतीले के निचले तले में थोड़ा सा चिपक जाए, ऑयल बिल्कुल अलहदा हो जाए, तो समझ ले कि हमारी सब्ज़ी बिल्कुल परफेक्ट तौर पे तैयार है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी टेस्टी हमारी सब्ज़ी तैयार हुई है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं, मेरे बनाने का तरीका ये है। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें फैमिली और दोस्तों में।